गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल के शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिक्स कमांड्स के ऊपर ये हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं यूनिक्स में कुछ बेसिक कमांड्स को। अब देखते हैं कि यूनिक्स में हमारे पास कौन कौन से कमांड्स हैं। तो यूनिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है वो है डेट कमांड। तो डेट कमांड क्या करती है, इट डिस्प्लेस बोथ डेट एंड टाइम। तो डेट कमांड डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करती है। तो डेट कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो मेरा एक वीडियो लेक्चर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी पार्ट टू, तो उसमें मैंने चार शेल्स के बारे में बताए हैं। तो शेल्स कुछ नहीं है, चार शेल्स का मतलब चार अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो चार अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट या चार अलग अलग शेल्स कौन से हैं, बॉर्न शेल, सी शेल, कॉर्न शेल और बेस शेल। तो मैंने उसमें बताया था कि सी शेल यानी कि सी शेल का जो कमांड प्रॉम्प्ट है और जो है कॉर्न शेल का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये दोनों ही बहुत पावरफुल कमांड प्रॉम्प्ट है। तो यूनिक्स के प्रोग्राम्स और कमांड्स वगैरह ज़्यादातर इन्हीं कमांड प्रॉम्प्ट्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो आप जो है सी शेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइए या फिर कॉर्न शेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइए, तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि सी शेल या कॉर्न शेल के कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे जाएंगे। सिंपली जो है पाथ जो है स्पेसिफाई करना होता है। तो आप सी शेल या कॉर्न शेल के कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप चले जाएंगे तो डॉलर साइन ब्लिंक करेगी, तो वहां पर सिंपली आपको डेट कमांड लिखनी है। डेट लिख करके और सिंपली आपको एंटर करनी है, एंटर लिखना नहीं है, एंटर करनी है। तो ये डेट कमांड क्या करेगी, आपको जो है डेट भी शो करेगी और साथ ही साथ जो है टाइम को भी ये शो करेगी। तो डेट कमांड बेसिकली जो है डेट और टाइम दोनों को शो करती है। दूसरी कमांड जो हमारे पास है उसका नाम है टीपुट क्लियर कमांड। तो टीपुट क्लियर कमांड क्या करती है, व्हाट हैज बीन टाइप्ड इन द एडिटर वैनिशेस फ्रॉम द व्यूज। तो यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने जो कुछ भी टाइप किया है स्क्रीन पूरी भर गई है, तो आप चाहते हैं कि स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए टीपुट क्लियर कमांड यूज़ करते हैं। तो वही आपको यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा करके सी शेल या कॉर्न शेल में जा करके एक डॉलर साइन ब्लिंक करेगी, वहाँ पर आपको टीपुट क्लियर लिखना है और एंटर प्रेस करनी है। तो स्क्रीन पे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो सारा जो है वैनिश हो जाएगा, मतलब स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कैल कमांड। तो कैल कमांड का मतलब कैलेंडर कमांड। तो कैलेंडर कमांड क्या करती है, बाय दिस कमांड यू कैन प्रोड्यूस द कैलेंडर फॉर एनी मंथ और ईयर। तो आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का कैलेंडर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेट सपोज 2011 के ईयर का मुझे फोर्थ मंथ यानी कि अप्रैल के मंथ का मुझे कैलेंडर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली वही यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा करके कैल कमांड टाइप करेंगे और चौथा महीना, अप्रैल को चौथा महीना बोलते हैं, तो फोर टाइप करेंगे और 2011 ईयर को टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे, तो आउटपुट जो आएगी वो आएगी 2011 के अप्रैल मंथ का कैलेंडर आपके सामने जो है शो करेगी। तो ये है कैल कमांड। नेक्स्ट और लास्ट कमांड जो है इस वीडियो लेक्चर का वो है WHO हु कमांड। तो हु कमांड क्या करती है, हु आर द यूजर्स, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मेरे अलावा और कौन कौन बंदे यूज़ कर रहे हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए।
यूनिक्स इज कंकरेंटली यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। तो मैंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर में मैंने समझा रखा है कि यूनिक्स के कौन-कौन से फीचर्स होते हैं। तो यूनिक्स का एक सबसे बड़ा फीचर होता है मल्टी यूजर सिस्टम। तो यूनिक्स को एक ही टाइम पर मल्टीपल यूजर्स जो है यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यूनिक्स इज कंकरेंटली यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। तो यूनिक्स को कंकरेंटली मतलब एक टाइम पर मल्टीपल यूजर्स जो है यूज कर सकते हैं। तो उन्हीं मल्टीपल यूजर्स की हमें लिस्ट देखनी है कि कौन यूनिक्स पे जो है लॉगिन है या अभी थोड़ी देर पहले लॉगिन हुआ था। यू माइट वॉन्ट टू नो हु आर ऑल्सो यूजिंग द सिस्टम लाइक यू। अब आप जानना चाहते हैं कि आपकी ही तरह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और कौन कौन से बंदे यूज कर रहे हैं या आज पूरे दिन में यूज किया है, उनके लिस्ट को आप देखना चाहते हैं। तो वहां पर आप हु कमांड लगा करके उस लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा करके WHO हु टाइप करना है और एंटर प्रेस करनी है। तो आपके पास यहाँ पर यूजर का नेम आ जाएगा और कौन से सिस्टम पर वो लॉगिन था वो आ जाएगा, कौन सी डेट को वो लॉगिन था वो आ जाएगा, कौन से टाइम में वो लॉगिन था वो आ जाएगा, और ये सारे उसके आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर हमारे पास रवि नाम का बंदा है, TTY1 नाम के टर्मिनल पर ये लॉगिन था और जो है 16 मार्च 2020 को ये लॉगिन हुआ था 19:27 पे। उसी तरीके से यूजर का नाम ना करके सिस्टम का भी नाम आ सकता है अगर यूजर का नाम उसमें स्पेसिफाई नहीं है। तो टेक मिंट रूट ये सारे एक तरीके से यूजर के नेम है। तो हु कमांड बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन बंदे लॉगिन थे और किन किन बंदों ने कौन कौन बंदे लॉगिन है, तो उन सब की लिस्ट अगर देखनी है तो सिंपली आपको हु कमांड टाइप करनी है। तो हु कमांड एक बहुत ही पॉपुलर कमांड है। तो लाइनक्स कमांड का मेरा ये वाला जो ट्यूटोरियल है वो यहीं पर फिनिश होता है। बाकी यूनिक्स में अभी बहुत सारे कमांड्स हैं और बहुत सारे वीडियो लेक्चर इसके ऊपर आएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।